कोविड के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों में ऑपरेटरों के पद पर कार्यरत दर्जनों बीएलओ ने आज धनबाद के सीएस कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे समरेश राणा ने बताया कि लगातार 15 माह से फंड की कमी बताकर सीएस के द्वारा उन्हें बरगलाया जा रहा है, जबकि 4 बार उपायुक्त से भी बकाया भुगतान की गुहार लगा चुके हैं, पर अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। कमीशन संबंधी कार्यों का भुगतान जल्द कर दिया जा रहा है और हमारी मेहनत का बकाया पैसे देने पर बार बार फंड की कमी का बहाना बनाया जा रहा है। कोविड वीएलई है धनबाद जिला के, वैक्सीनेशन में काम किए थे, 15 माह से हम लोग का भुगतान बाकी है, पर सीएस ऑफिस आते हैं तो बोलते हैं कि फंड आएगा हो जाएगा, डीसी ऑफिस में जाते हैं तो बोलता है फंड आएगा तो हो जाएगा। 4 बार फंड आ चुका है पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई भुगतान नहीं होता। इन लोग पेमेंट वहीं करता है जहाँ इन लोग का कमीशन रहता है, जहाँ खाना में कमीशन रहता है, गाड़ी का पेट्रोल का निकालने का रहता है वहाँ कमीशन रहता है। इन लोग वही कैंडिडेट को पेमेंट करते हैं जहाँ पर उन लोग का कमीशन बना रहता है। हम लोग को कोई वीएलई के बैक सपोर्ट, राजनीतिक सपोर्ट कोई नहीं है। इन लोग हम लोग को टाल देता है और बोलता है कि पेमेंट होगा होगा, पर पेमेंट नहीं होता है। बचपन में सुने थे कि डीसी के पास कंप्लेन करने से बहुत बड़ा कार्रवाई होता है, पर डीसी पास हम लोग 4 बार गए हैं, जनता दरबार में फेस टू फेस बात की है, पर कोई कार्रवाई नहीं। ऊपर से नीचे ले सब करप्ट। तो हम आज यहाँ सिविल सर्जन से आज बोलने आए हैं कि हम लोग को बकाया पेमेंट किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा जिसके लिए आपका नौकरी भी खतरे में हो सकता है। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067।